So, thank you, Vinita, for गाइडिंग अस थ्रू द चैट. सो हम लोग जो आज सेशन करने वाले हैं उसमें हम बात करेंगे जो सोशल साइंसेस के टूल्स हैं विद स्पेसिफिक कंसिडरेशन टू हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस. क्यों हमने सोशल साइंसेस को ब्रेक किया है वो हम देखते हैं. ज्योग्राफी में क्या होता है कि बहुत सारी एप्लीकेशंस और टूल्स ऐसे होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं बिकॉज ज्योग्राफी में थोड़े से कॉम्पोनेंट्स हमारे टूल के साथ बढ़ जाते हैं. हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों को ही हम समझते हैं कि थोड़े से मतलब बोरिंग जिसे कह सकते हैं या शायद बच्चों को उतने इंटरेस्टिंग नहीं लगते या बहुत टूल्स उसका काम नहीं कर पाते. तो बिफोर वी स्टार्ट द सेशन मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ और वो क्वेश्चन मैं आपकी अभी स्क्रीन के ऊपर आई एम गोइंग टू पोस्ट इट. So now, I hope you can see the screen, everyone. आप लोग कोई भी अनम्यूट कर सकता है और मेरी तो रिक्वेस्ट ये रहेगी कि सभी अगर अपना कैमरा भी ऑन कर लें क्योंकि अब तो एक छोटा ग्रुप है और हम लोग इंटरैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को देखकर. तो हमें भी लगेगा कि हम इंसान से बात कर रहे हैं, कंप्यूटर से बात नहीं कर रहे हैं. तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी से. आपको स्क्रीन नजर आ रही है सर, शौकत सर? यस मैम, आपकी स्क्रीन दिख रही है। ओके, थैंक यू. तो ये जो क्वेश्चन है, व्हाट हैव यू बीन यूजिंग फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ सोशल साइंसेस टिल डेट, और इसको आपने आंसर कैसे करना है, आपको यहाँ स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा. आप अपने डिवाइस पर ही मोबाइल पे या लैपटॉप पे menti.com खोलेंगे और ये वाला कोड उसमें डालेंगे और फिर इस क्वेश्चन का आंसर आप तीन आंसर लिख सकते हैं. आप तीन आंसर लिखें, कोशिश करें स्पेलिंग करेक्ट हो और सिंगल वर्ड हो. ज्यादा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बेहतर रहता है कि जब हम सिंगल वर्ड में आंसर देते हैं. मैं चैट में भी इसका लिंक डाल रही हूँ सो दैट आपको डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके भी आप उसको आंसर कर सकते हैं. अभी तक जैसे ही आप आंसर करेंगे आप लोग सब स्क्रीन पे भी देखेंगे. तो ये टूल सिर्फ मैं एक क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ, मेरे हर क्वेश्चन या हर जो भी हम डेमोन्स्ट्रेशन या देखेंगे वो टूल इटसेल्फ इज अ आपके लिए यूज हो सकता है. आप उसे सोशल साइंसेस में यूज कर सकते हैं उस टूल को. कैसे यूज करेंगे, किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं वो हम यहाँ तो डिस्कस कर सकते हैं, या आप टूल देख करके ही यू कैन मेक आउट कि हम आप अपने सब्जेक्ट में उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. अभी आपने देखा कि एक टीचर ने एक आंसर दिया है के यान, और इसकी सबसे अच्छी चीज है यहाँ पे कोई डेटा नहीं आ रहा है कि किसने आंसर दिया, तो सही गलत इस तरह की टेंशन वो सारी चीजें भी हमारी जो है वो बाहर निकल जाती हैं जब हम इस तरह से आंसर देते हैं. H5P, ग्लोब, मैप, वेरी गुड. क्या दो बार है पर टाइपोलॉजिकल की वजह से वो ऐसे नजर आ रहा है. सभी लोग विद इन आई थिंक 1 मिनट एवरी वन कैन आंसर. हमारे साथ कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, 18 पार्टिसिपेंट्स है तो 18 x 3 और मिनिमम 18 आंसर्स. तो अब आपके ऊपर आप कितने आंसर देना चाहते हैं. आप प्लीज फोकस ऑन द स्क्रीन ऑल्सो कि क्या हो रहा है जब आप आंसर दे रहे हैं. जैसे ही एक आंसर आता है पूरा ये जो एक कुछ इमेज सी बन रही है वर्ड्स की वो चेंज हो जाती है. वो क्यों चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है, आप उसको भी फोकस करिए. फास्ट फास्ट एवरीवन. ओके मैम, मेंटीमीटर नहीं खोलना है आपको, सिर्फ menti.com खोलना है. यस एवरीवन प्लीज. सिर्फ 15 आंसर्स आए हैं हमारे पास, 18 तो पार्टिसिपेंट्स ही हैं, और अगर वो दो आंसर दें या एक भी दें तो भी मिनिमम 18 आंसर्स होने चाहिए. जो लॉग इन नहीं कर पा रहा है, जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो मुझे बता सकता है.
जस्ट लास्ट 30 सेकेंड्स एंड देन वी विल मूव ऑन टू डिस्कसिंग दिस एक्टिविटी व्हाट वी हैव डन। ओके, तो अब क्या आप में से कोई समझ पाया कि ये प्रेजेंटेशन क्या है और क्यों है ऐसा ये प्रेजेंटेशन? कोई आंसर करना चाहेगा? नहीं। ये जो है सबसे पहले मेंटीमीटर जो है आप एक टूल है जिसको आप टीचिंग में, प्रेजेंटेशन में या फिर असेसमेंट में या फिर पोलिंग में भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो हमने क्रिएट किया है एक वर्ड क्लाउड बनाया है। वर्ड क्लाउड आपने कई बार एडवर्टीजमेंट्स वगैरह में देखा होगा। वर्ड क्लाउड में आपको डेटा जो है वो सामने नजर आ रहा है। यहाँ पे आप खुद और मैं, हम ये बता सकते हैं कि कौन सा आंसर रिपीट हुआ है, कितनी बार हुआ है वो भी बता सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि बहुत कम आंसर्स आए इसलिए मैं उस पर नहीं जा रही हूं। जैसे कि अभी इस वर्ड क्लाउड में मैप जो है वो मैक्सिमम लोगों ने बोला है, चाहे वो दो ही हो इस वक्त, H5P भी दो लोगों ने बोला है, बाकी सभी आंसर एक पर्सन ने दिए हैं, सिंगल पर्सन आंसर्स हैं। कैसे पता चल रहा है? उसके साइज से। ये हमारा एनालिसिस हो गया। जैसे ही वर्ड क्लाउड बच्चे आंसर करेंगे आपको पता चल जाएगा कि किस तरफ वो जा रहे हैं। अब हम देखते हैं आपने टूल्स कौन कौन से यूज किए हैं, क्या एप्लीकेशन, क्या टूल्स आप यूज करते आ रहे हैं। तो मैप तो हम सभी जानते हैं, सोशल साइंसेस में हम करते हैं। H5P इज अ इंटरैक्टिव रिसोर्स टूल, तो अगर आप वो कर रहे हैं ऑलरेडी तो बहुत ही अच्छी बात है। काहूत जो है वो सिमिलर है मेंटीमीटर से ही, पर थोड़ी बहुत लिमिटेशंस हैं दोनों में ही अपनी। तो काहूत में हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ हमारी थोड़ी लिमिटेशन रहती है, पर इट इज अ गुड टूल। देन केयान इज अ प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर रिसोर्सेज अवेलेबल है। क्विजेस बहुत अच्छा टूल है, वो मैं भी आज रेफर करूंगी, जिनको नहीं पता है वो उनको भी पता चल जाएगा। इस तरह से हम देखें तो हमें काफी कुछ पता चला कि आप ऑलरेडी किस तरह के रिसोर्सेस क्लासरूम में यूज कर रहे हैं। कैमटेशिया जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए भी यूज होता है, और भी उसके यूजेस हैं, तो वो उसका यूज हो रहा है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग दैट वी आर यूजिंग डिफरेंट एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर्स इन द क्लासरूम। तो अभी आपको ये टूल समझ में आया होगा। आपको जैसे मान लीजिए क्लास में वोटिंग करवानी है, जो हम पॉलिटिकल साइंस के लिए एक रियल लाइफ एक्टिविटी कराते हैं इलेक्शंस, वो आप यहाँ पे पोलिंग की ऑप्शन भी है वो आप करवा सकते हैं, या वर्ड क्लाउड के माध्यम से ही करवा सकते हैं, जहां पे आपका नाम नहीं डिस्प्ले हो रहा है कि आपने किसको वोट दिया, पर आपके पास नाम है, आपने वो नाम यहाँ पे डाल दिया। या और कोई जैसे हमारी मैप से रिलेटेड एक्टिविटीज है, हम पूछना चाह रहे हैं कौन, अगर हम लोअर लेवल की बात करें तो कंट्री या स्टेट या स्टेट कैपिटल या स्टेट में कौन सी मिट्टी है, हम उस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे इस मेंटीमीटर के माध्यम से डिस्कस क्लास में कर सकते हैं। सो ये था हमारा पहला टूल, और हमने ये भी देखा कि आप लोग काफी सारे एप्लीकेशंस और टूल्स यूज कर रहे हैं। कुछ लोग भूल गए शायद, वीडियो रिसोर्सेज तो सभी यूज करते हैं, जिसके लिए यूट्यूब दीक्षा का यूज आप लोग कर रहे हैं, वो किसी ने मेंशन नहीं किया है आज, बट दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रिसोर्स फॉर यू। नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट रिसोर्स ऑफ द डे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू एज वेल एज वेरी यूजफुल फॉर सोशल साइंसेस, और विषयों में भी यूज हो सकता है, पर अभी हम फोकस कर रहे हैं सोशल साइंस पे। तो वो टूल है, मैं गूगल पे जा रही हूं अभी, और गूगल पे हम लोग, गूगल की ही एक ऐप है जिसकी हम बात कर रहे हैं, गूगल आर्ट एंड कल्चर। ये आपने कुछ ने जरूर सुना होगा, हो सकता है किसी ने एक्सप्लोर भी किया हो। इट इज अ वंडरफुल मैकेनिज्म, एप्लीकेशन भी है, आप डेस्कटॉप पे भी खोल सकते हो, मोबाइल पे एज एन ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेशन लैपटॉप के थ्रू दे रही हूं। दिस यू कैन डायरेक्टली ब्रिंग इन टू योर क्लास। नाउ अभी जो हम देखेंगे इसके ऊपर क्या है, बेसिकली आप इसके अंदर वर्चुअली किसी म्यूजियम को विजिट कर सकते हो, या फिर आप 360 डिग्री वीडियो देख सकते हो। जैसे कि आपने कहीं गए, आप मान लीजिए सी के उसमें ही गए, कोस्टल एरिया पे गए या पहाड़ों पे गए,
तो आपने वहां को उसकी चारों तरफ देखना चाहते हो, तो जैसे हमारी आई है, हम सामने देखते हैं फिर साइड पे ऐसे घूम सकते हैं तो हमें सब दिखता है, पर वीडियो के साथ क्या होता है, क्या आप अभी लैपटॉप को राइट लेफ्ट करेंगे तो मेरे आसपास का कुछ दिखेगा? नहीं, जो दिख रहा है वही दिखेगा, बिकॉज दिस इज फ्लैट वीडियो। 360 डिग्री में क्या होता है, 360 डिग्री कैमरा का यूज होता है, जिसमें वो सिर्फ मुझे कैप्चर नहीं करेगा बल्कि मेरे चारों तरफ जो एम्बियंस है उसको भी कैप्चर करेगा। तो इट गिव्स यू अ मोर, जिसे कहते हैं ना, हमें एक रियलिस्टिक वो देता है। हम आंखों से 360 डिग्री देखते हैं पर कैमरा वाले उसमें हम नहीं देख सकते, बट जब हम 360 डिग्री वीडियो देखते हैं तो वहां पे हमारे पास ये पॉसिबिलिटी होती है। उसके अलावा हम वर्चुअल विजिट्स करते हैं म्यूजियम्स में, हम वी आर एक्चुअली वॉकिंग इन टू अ म्यूजियम, इट गिव्स यू दैट काइंड ऑफ फील। तो जैसे अब दिल्ली में म्यूजियम है, हमारे कश्मीर के पार्टिसिपेंट्स बहुत रेगुलरली नहीं आ सकते, या सब नहीं आ सकते, कुछ बच्चे हो सकते हैं आ जाएं, तो वो यहाँ के म्यूजियम को देख सकते हैं, बट बाकी बच्चे कैसे उस तक पहुंचेंगे? तो उसके लिए ये वर्चुअल हमारे पास म्यूजियम्स हैं जिसको हम विजिट करके अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी नॉलेज एनहांस कर सकते हैं। हिस्ट्री का म्यूजियम है या कोई भी म्यूजियम है, हम वो देख सकते हैं। नॉट जस्ट इंडिया, वी आर कवरिंग पैन वर्ल्ड बेसिकली, क्योंकि ये गूगल जो है इट इज नॉट फोकसिंग ऑन वन कंट्री। तो अभी हम देखते हैं, आज यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए आप जनरली एक्सप्लोर बटन पे क्लिक करते हो, पर हम देखते हैं इन्होंने लेटेस्ट में आज क्या डाला हुआ है। इनकी आप रेगुलर देखेंगे तो डेली बेसिस पे या ऑल्टरनेट डे बेसिस पे स्टोरीज चेंज होती हैं, फोकस चेंज होता है, तो एक पर्टिकुलर लोकेशन को, एक पर्टिकुलर कंट्री को डिपिक्ट किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले जापान का बहुत सारा हम लोगों ने यहाँ पे देखा, आज जो इन्होंने वो किया है डिपिक्ट, वो है मैक्सिको की आर्टिस्ट और आर्टिजन्स, तो वहां की आर्ट को डिपिक्ट किया है। अब आप अगर इस इमेज को देखेंगे, आप इसके ऊपर भी क्लिक करके देख सकते हैं, इसके बारे में डिटेल हम आगे देखेंगे। आप ये देखो, यहाँ पे उन्होंने ये सारे टूल्स बनाए हुए हैं, यहाँ पे म्यूजियम है, ये म्यूजियो दी लास अमेरिकास। अगर हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, ये म्यूजियम के सारे ऑनलाइन एग्जिबिट्स अवेलेबल हैं जो हमें ये दिखाएगा, डिफरेंट स्टोरी की फॉर्म में ये हमें दिखाएगा। जैसे मैं, मान लीजिए इस इमेज पे अभी मैंने क्लिक किया, सिंपल क्लिक किया, ये आपको यहाँ पे जो जो उस म्यूजियम में आर्टिफैक्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं, वहां का मैप अवेलेबल है आपके पास। दिस इज वन वे थ्रू इमेजेस। आई वॉन्ट टू शो यू थ्री डी वन, आई जस्ट एक्सप्लोर, बिकॉज ये नई नई चीजें ऐड करते हैं, तो मैं वो दिखाना चाह रही थी पहले आपको। सो हियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम रोमन एम्पायर की भी बात करते हैं, यहाँ पे हम वो साइट्स को देखेंगे। सो बेसिकली आपके पास जो है बहुत सारा हिस्टोरिकल मटेरियल, इवन पॉलिटिकल मटेरियल आपको पॉलिटिकल साइंस के लिए यहाँ पे मिलेगा, जो कि आपको यूज आप कर सकते हैं। कोलोसम है, कोलोसम कहाँ है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो सारी चीजें उसके बारे में, उसकी इमेजेस, उसका पूरा एक थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग विद इमेजेस, एक टूर आपको दिया गया। दिस इज अ स्टोरी ऑन कोलोसम म्यूजियम। ऐसे ही आगे चेंज हो रहा है, म्यूजियम ऑफ अदर एग्जीबिशंस ये आपको नजर आ रहा है। सो दिस इज वन वे ऑफ गेटिंग इन टू अ म्यूजियम एंड नोइंग अबाउट इट, नोइंग डिफरेंट हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। देन एक बार इसको देखते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लोर पे लेके चलती हूँ। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर, हमें जो देखना है अब हम वो भी देखेंगे। मान लीजिए आप देखना चाहते हैं दिल्ली का कोई म्यूजियम, तो आप यहाँ पे सर्च बटन पे जाएंगे, मैंने यहाँ पे दिल्ली डाला, ये आप देख सकते हो यहाँ पे वर्चुअल म्यूजियम डे आउट, और ये इनक्रेडिबल इंडिया, यहाँ पे नेशनल म्यूजियम जो है दिल्ली में वो है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यू कैन एक्चुअली गो टू द टूर। जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप देखेंगे जिस इमेज के साथ ये ह्यूमन फिगर है वो आपकी वर्चुअल विजिट है। अब मैं यहाँ क्लिक करती हूँ एंड आई एम इन टू द म्यूजियम। कैन यू सी नाउ वी आर स्टैंडिंग इन टू द म्यूजियम ऑल ऑफ अस।
अब ये आप एक एरो दिख रहा होगा, ये मूवमेंट बता रहा है कि मैं इधर जाऊं कहाँ जा रही हूं मैं, वहां पे मैं क्लिक कर सकती हूँ तो उस वाले आर्टिफैक्ट के पास मैं पहुंच जाऊंगी। अगर ऐसे नहीं जाना है तो मैं स्क्रीन के माध्यम से भी ऐसे चारों तरफ देख रही हूँ अपने की क्या है। मैंने लैपटॉप पे अपना लेफ्ट क्लिक किया एंड आई एम एबल टू सी व्हाट ऑल इज देयर। ठीक है, अब मैं मान लीजिए इधर जाना चाहती हूँ तो मैं सिंपली यहाँ क्लिक करूंगी और उसके पास मैं पहुंच गई। फर्दर और इधर जाना चाह रही हूँ और पास आ गई। अब मैं पास आकर के इस मूर्ति को देख रही हूँ। इसकी जो डिटेलिंग है यहाँ नजर नहीं आ रही है, पर इसी का इमेज में स्टोरीज बनी हुई है, वहां पे इनकी पूरी आपको डिटेल जो है टेक्स्ट फॉर्म में लिख करके भी डाली गई है कि ये क्या है, क्या इसका हिस्टोरिकल रेलेवेंस है। तो उस तरह से ये सारे रिसोर्सेस को बनाया गया है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको कुछ इमेजेस दिख रही होंगी, डिफरेंट हॉल्स हैं। अब मैं यहां से दूसरे हॉल में जाना चाहती हूँ, रूम में जाना चाहती हूँ, तो वो मैं यहां से जा सकती हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ क्लिक करती हूँ तो मैंने किसी और हॉल में आ गई जहां पे बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। आप देखिए, आई एम एक्चुअली विजिटिंग दिस प्लेस। जहां भी आपको जाना है, आपको यहां जाना है, वहां पे आप क्लिक करिए एंड देन यू कैन एक्चुअली विजिट देयर। यहाँ पे आए आप, ये डोर पे आ गए। आपको डोर पे नहीं जाना है, आप इसको घुमाइए और एरो को चेंज करके आप दूसरी पेंटिंग के पास आ गए। सो इस तरह से हम वर्चुअली प्रॉपरली एक जो म्यूजियम है उसको विजिट यहाँ पे कर रहे हैं। अब अगर आपको यहां से बाहर जाना है, हम इसमें से हमने बाहर आए, अब आप नीचे देखिए, इसी म्यूजियम के डिफरेंट जो एग्जिबिट्स है उसको स्टोरी की फॉर्म में इन्होंने डाला है। यहाँ पे ब्यूटी ऑर्नामेंट्स की बात की है, यहाँ पे डेकन आर्ट्स की बात की है, यहाँ कैलीग्राफी की बात की है, यहाँ पे और कोई स्टोरी है, यहाँ एक कलेक्शन है इंडिया करके, ज्वेलरी करके। तो इस तरह से हमारे कलेक्शंस बने हुए हैं, जहां पे जो मैं कह रही थी इमेज वाइज आपको डिटेल मिलेगी या स्कल्पचर वाइज डिटेल मिलेगी, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक इमेज खोली तो उसको आपका आपको उसका डिस्क्रिप्शन पूरा यहाँ पे मिल गया और उसकी डिटेल्स भी है कि ये क्या है, पेंटिंग है, ड्राइंग है या कोई स्कल्पचर है, कहाँ पे प्लेस्ड है, नेशनल म्यूजियम, टेक्निक क्या है, वो सारी चीजें जो हैं यहाँ पे हमें अवेलेबल हैं। अब आप यहाँ पे उसको पढ़ भी सकते हैं। इसी तरह अगर आप आगे का इसी में कोई कंटेंट देखना चाहते हैं तो ये है स्टैंडिंग बुद्धा, गंधारा आर्ट, सो एवरीथिंग इज गिवन टू अस। सो बेसिकली हम जो भी हिस्टोरिकल चीजें हैं या जो हमारे हिस्ट्री के इवेंट से रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स हैं हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिन्हें हम बिना किसी एफर्ट के क्लासरूम में ला सकते हैं। अब हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। हमने इमेज वाइज देख लिया, हमने वर्चुअल टूर देख लिया, अब हम देखेंगे 360 डिग्री वीडियो की मैंने रेफरेंस दी थी आपको, वो क्या है। जैसे हमने वर्चुअल टूर में देखा कि हम चारों तरफ देख पा रहे हैं, उसी तरह 360 डिग्री वीडियो में वीडियो एक तरफ दिखा रहा है, पर आप यू कैन गो राइट लेफ्ट अप डाउन एंड यू कैन सी डिफरेंट थिंग्स। अब यहाँ पे बहुत सारी वर्चुअल वीडियोस हमारे पास अवेलेबल हैं, ये नेचुरल हिस्ट्री की हैं। आप देखते जाइए, हम किसी एक में वी कैन चेक आउट दैट वीडियो एंड लर्न अबाउट इट। ये है ओपरा नेशनल जो सिडनी का है, दिस इज नॉट प्लेइंग। हम ये प्ले करते हैं एक बार नेचुरल हिस्ट्री का, थोड़ा सा हमें समझ में आएगा कि मैं बोल क्या रही हूं आपको। आई होप आप ऑडियो भी सुन पा रहे हैं। अब यहां पे हम ये एक वीडियो Welcome.
to the world famous Natural History Museum in London. And you're now standing in the fossil marine reptile gallery. Also, it is 360 degrees. While dinosaurs ruled on land, these strange creatures dominated the oceans. And it is these are all plesiosaurs. Their sharp teeth and long necks earned them the nickname sea dragons. They can move everywhere, just with the left ear. But a far more dangerous predator roamed the Jurassic sea. So you don't have to move it, you just can. The Romaliosaurus. And you can keep moving here and there. This extraordinary creature was like nothing that exists today. See, this is a video. Here, you can confirm that it is changing. But it is a different kind of video we are actually experiencing. जो हमारा ऑक्यूलस होता है उसके साथ देखेंगे तो आपको लगेगा रियली वहां पे है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस काइंड ऑफ रिसोर्स. यहाँ पे आपको ये एरर्स मिल रहे हैं. अगर आपको वैसे मूव करना नहीं आ रहा तो मैं इससे भी ये देखिए मूव कर सकती हूँ. मैं उस फिश के साथ साथ मूव कर रही हूँ. आई कैन सी दिस. ऊपर चलेंगे, मैं ऊपर जाऊँ और वो उसको खा रही है और उसने पकड़ लिया. दिस इज द 360. हमने पूरा घूमा है. यू टेकन जस्ट कंप्लीट फुल राउंड ऑफ दिस वीडियो. Whereas the Romaliosaurus gradually disappeared from our waters and became So this could be brought into your classroom also for teaching different subjects. आप यहाँ पे explore कर सकते हैं कि आपके topic से relevant हमारे पास क्या content यहाँ available है. आप उसे directly use कर सकते हैं. इसी तरह और भी videos हैं यहाँ पे. जैसे हम space shuttle की बात करते हैं तो वो बड़ा interesting है. space shuttle में ऐसा लगेगा हम बैठे हुए हैं. जैसे हम झूले पे बैठते हैं तो हमें एक feel आती है कि अभी ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है. तो you will have that feeling of being into a space shuttle when you are into this watching this particular video. और स्पेशली जब आप ऑक्यूलस जो एक ऐसे आंखों पे डिवाइस लगता है जिससे और कुछ नहीं दिखता उसके साथ देखेंगे तो और भी ये एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आपके लिए होगी. अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमारे को डायरेक्ट रेलेवेंस में और क्या चीजें हैं. तो जैसे हमारी हिस्ट्री में बहुत सारे इवेंट्स हैं, हम बहुत सारे पर्सन की बात करते हैं. जैसे हम डिफरेंट मुगल एम्परर्स की बात करते हैं या फिर महात्मा गांधी की बात करते हैं या फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं या फ्रीडम स्ट्रगल से पहले जो जो म्यूटिनी हुई उसकी बात करते हैं. तो उन सब टॉपिक्स पे भी यहाँ पे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं. तो एक आपका है हिस्टोरिक इवेंट, एक है हिस्टोरिकल फिगर्स. तो हम एक एक करके देखते हैं. हिस्टोरिकल इवेंट्स में जब आप आते हो तो यहाँ देखिए वर्ल्ड वॉर वन. जब हम इस टॉपिक की पढ़ाई कर रहे हैं तो हम यहाँ से रेफरेंस इमेजेस लेके उन्हें बच्चों को वहां की सिचुएशन समझा सकते हैं जिससे कि दे आर एबल टू रिलेट इट मोर. व्हेन दे विल बी एबल टू रिलेट इट दे विल बी एबल टू रिटेन द कंटेंट इन देयर माइंड. जो हिस्ट्री के साथ होता है कि डेट्स भूल गए तो जब वो इमेजेस के साथ देखेंगे उस वक्त की पेंटिंग्स देखेंगे तो इट विल बी मोर रेलिवेंट टू देम दैट हाउ पीपल एक्चुअली लिव्ड एट दैट पर्टिकुलर टाइम. इसी तरह बहुत सारे यहाँ पे वॉर्स और इवेंट्स हैं जो आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहे हैं. They are not just for India or any particular country. They are covering across the world. Here you can see Indian Rebel of 1857 also. Then we have many, many international events which we can explore and learn through these इमेजेस. अभी हम इसको एक को जरूर ओपन करेंगे सो दैट हमें समझ में आए कि क्या है उसके अंदर. तो हम ये इंडियन रिबेल खोलते हैं अभी के लिए. यहाँ पे आप देख रहे हो एक इमेज है उसके बारे में ये थोड़ा सा डिटेल हमें दिया गया है कि क्या है. एंड देन वी हैव लॉट्स ऑफ इमेजेस. इससे आप रिलेट करते हुए पूरी जो हमारा कंटेक्स्ट है एस्टैब्लिश क्लास में हम कर सकते हैं. वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हो और सिंगल क्लिक यहां करेंगे तो एक एक इमेज के ऊपर आपको उसकी कि ये क्या है
क्या ये कह रही है, वो सारी डिटेल हमें यहाँ पे मिल जाएगी। सिमिलरली यू कैन जस्ट कीप ऑन स्क्रोलिंग डाउन एंड यू कैन फाइंड आउट रेलेवेंट कंटेंट, और उसकी आपको डिटेल भी यहाँ पे मिलेगी। सो यू कैन बेसिकली जो जो चीज हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं थ्योरेटिकली, वो यहाँ से उसको एक आपको इमेज मिल जाएगी, एक रिसोर्स मिलेगा टू कनेक्ट इट विद इन द प्रीवियस टाइम्स, जिससे जो एक इंटरेस्ट है बच्चों का वो जेनरेट होता है। एंड यू कैन आस्क देम टू मेक अ प्रोजेक्ट ऑल्सो टेकिंग दीज इमेजेस। तो आपकी असेसमेंट के लिए, प्रोजेक्ट वर्क के लिए, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए आप इन रिसोर्सेस को यूज कर सकते हो। ऐसे हिस्टोरिकल फिगर्स में आप देखेंगे, अभी ट्रम्प, जो बिडेन, पुतिन, ओबामा, गांधी जी, कार्ल मार्क्स, तो हम जिसके बारे में बात करें, नेल्सन मंडेला की बात करते हैं, हम गांधी जी की बात करते हैं, हम उन सबके रेफरेंस या उस इवेंट के आसपास उनकी क्या इमेजेस मिल सकती हैं हम यहाँ देख सकते हैं, और उसके बाद उनको हम क्लासरूम में ला सकते हैं। यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली इमेजेस मिलेंगी। यहाँ स्टोरी फॉर्म में है कि किसी इवेंट से रिलेटेड अगर उनका कुछ है तो देन वो आपको यहाँ पे एक साथ मिल जाएंगी। यहाँ आपको कंप्लीट इमेजेस विदाउट एनी जिसे कहते हैं ना, फोल्डर नहीं प्रिपेयर किया है, बट आपको सारी इमेजेस मिल रही है। यहाँ एक स्टोरी की फॉर्म में, एक इवेंट की फॉर्म में उनको डाला गया है, वो आप यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ गांधी जी के फेस पे ही क्लिक करती हूँ, देन आई कैन गेट इन टू ऑल द इमेजेस। अब आप बोलेंगे मैं इसे यूज कर सकता हूँ या नहीं, कहाँ से लिया है, क्या है, तो आपके पास ये सारे रिसोर्सेज का डिटेल गिवन है। तो आप इसको रेफरेंस देके तो डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, क्योंकि गूगल ने डाला है और उसके लाइसेंसेस यहाँ पे हमें मिल जाएंगे, तो उस हिसाब से हम इनको अपने उसमें यूज कर सकते हैं। देखिए सभी के ऊपर उसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है कि वो है क्या, यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, ये सारी आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। जो कि पहले हमारे लिए ये सोच पाना कितना ही ज्यादा मुश्किल था कि हम कैसे समझें और कैसे हम उस चीज को एक्सप्लेन करें। तो आपके पास अब बहुत सारे रिसोर्सेज यहाँ पे वीडियो फॉर्म, इमेजेस फॉर्म, वर्चुअल टूर की फॉर्म में अवेलेबल हैं, उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और उसके अलावा जैसे हमारी जो लैंग्वेजेस की अगर हम बात करते हैं, या हम किसी भी टाइम की बात करते हैं, तो उस टाइम की पोएट्री, उस टाइम की जो राइटिंग्स हैं, उनको भी आर्ट फॉर्म में यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। वो आर्ट फॉर्म्स भी यू कैन पिक देम अप फ्रॉम हियर। अब यहाँ देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम ऑस्ट्रिया है, तो आप सभी म्यूजियम्स में विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी जो फेमस पेंटिंग्स हैं, उनके ऊपर अलग से यहाँ कलेक्शंस बने हुए हैं, जिसके अंदर आपको उससे रिलेटेड रिसोर्सेस मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें कुछ डिजिटल गेम्स हैं जो कि थोड़ी सी हिस्ट्री या ज्योग्राफी या सोशल साइंस से रिलेटेड है, पर बेसिकली दे आर गेम्स। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे पोएम पोस्ट कार्ड, ये जो मैंने बोला कि पोम्स जो पुरानी है उनके ऊपर पोस्ट कार्ड बने हुए हैं, या आप अपनी पोम लिख के भी पोस्ट कार्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये पजल्स हैं, अब पजल्स भी आप खेल सकते हैं। आप यू कैन आस्क योर चिल्ड्रन टू प्ले अ पजल विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन इमेज विच इज हियर इन दिस कलेक्शन। तो ये सारी एक्टिविटीज इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। वी आर सेट गेट इमेजेस एज कॉपीराइट। यस, कॉपीराइट है, बट अगर आप एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, और उसको ये क्योंकि अब गेटी से उन्होंने लेके यहाँ डाला है, और अगर इन्होंने अलाउ किया है, देन यू कैन गिव अ प्रॉपर रेफरेंस एंड यूज इट नॉट फॉर द कमर्शियल पर्पसेस, बट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस यू कैन गो हेड एंड यूज, बट डेफिनेटली गिव द रेफरेंस टू दैट पर्टिकुलर कंटेंट। ठीक है, तो आप इन गेम्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप जितना मर्जी बोल लीजिए वो कम है, क्योंकि यहाँ पे इतने ज्यादा रिसोर्सेस हैं कि उसको ऐसे एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल है। यहाँ मैंने अभी एक चीज देखी थी जो मैं सोच रही थी आपको दिखाती हूँ, आई कांट फाइंड दैट नाउ, चेंज हो गया शायद थोड़ा सा।
क्राफ्ट गैलरी, मैक्सिकन क्राफ्ट गैलरी यहाँ पे अवेलेबल है, आप उसको विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे इनके रिसोर्सेज शोकेस किए हुए थे। दिस इज द आर्ट गैलरी, एक बार हम इसको विजिट करते हैं। देखिए ये बिल्कुल वही वर्चुअल एक्सपीरियंस है एज इफ यू आर स्टैंडिंग देयर। यहाँ इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि कैसे आप ड्रैग कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, जैसे हमने बाकी म्यूजियम्स में किया वैसे ही हम यहाँ भी कर सकते हैं। फ्लोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ ऑडियो भी आपके पास है, ये आपको एक्सप्लेन करेगा, आप जो देखना चाहें आप वो देख सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं। तो इन्होंने एक ऑनलाइन आर्ट गैलरी पूरी क्रिएट किया है। आपको साउंड इफेक्ट आ रहे हैं एज इफ द सिलाई मशीन और द एम्ब्रॉयडरी मशीन इज वर्किंग। तो इस तरह से आप एक गैलरी पूरी विजिट कर रहे हैं वर्चुअली, जहां पे आपको कहीं नहीं जाना, बट यू कैन लर्न एंड एंजॉय मोर अबाउट दिस। एक बार इसको भी देखते हैं क्या है ये। ये गेम है दा विंची स्टिकीज, आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस गिवन हियर। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक्सपेरिमेंट्स हैं, थीम्स हैं, कलेक्शंस हैं, आर्टिस्ट के अकॉर्डिंग वो किया गया है। तो आप जो भी आपको चाहिए, जैसे आप देखना चाहें, आपको जैसे उसको एक्सप्लोर करना इजी हो, आप उसके बेसिस पे आप इसको एक्सप्लोर, यू कैन एक्सप्लोर ऑल द रिसोर्सेज एंड ब्रिंग इट टू द क्लासरूम डायरेक्टली फॉर द टीचिंग लर्निंग। So this is one resource which I wanted to discuss, and I have kind of given you an overview of this particular application. इसके अलावा भी और resources हैं जो आप develop कर सकते हैं, या फिर जो already available resources हैं उनको use कर सकते हैं। तो हमने type of resources में आपने बहुत सारे resources को discuss किया, जैसे audio, video, interactive, माइंड मैप, शायद आपने कैनवा डिस्कस किया होगा। तो इतने सारे रिसोर्सेज, एनिमेशन के बारे में आपने बात की, उसके अलावा भी बिगनिंग में आपको बताया गया होगा और कितने टाइप के रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं। तो उसमें से एक टाइमलाइन ऐसा रिसोर्स है जो सोशल साइंसेज में, हिस्ट्री में स्पेसिफिकली, पॉलिटिकल साइंस में बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है। तो एज अ टीचर आप टाइमलाइन एक्सेस कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां अवेलेबल भी होती हैं, नहीं तो आप उन्हें क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम एक ऐसा ही टूल देखेंगे जिसपे आप टाइमलाइन क्रिएट कर सकते हैं, उसको कहते हैं प्रीसीडन। यहां पे मैंने डाला प्रीसीडन गूगल पे सर्च में, प्रीसीडन इज अ टाइमलाइन मेकर। कुछ ही देर में आप टाइमलाइन क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर पेड वो भी है और जिसे कहते हैं कि अनपेड भी है और पेड भी है। तो आप वही वर्जन यूज करें जो अनपेड है, डोंट गो फॉर द पेड वर्जन, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट एप्लीकेशन यूज करके आप सारा बेनिफिट ले सकते हैं विदाउट एनी पेमेंट इन्वॉल्विंग एनी काइंड ऑफ पेमेंट। तो मान लीजिए अब मैं एक टाइमलाइन बनाना चाहती हूँ, तो उसके दो तरीके हैं कि या तो मुझे पूरे इवेंट्स में लिस्ट आउट करूं, उनकी डेट्स लिस्ट आउट करूं, उनसे रिलेटेड अगर मुझे कोई इमेजेस चाहिए तो वो मैं फाइंड आउट कर लूं, एंड देन आई विल क्रिएट अ टाइमलाइन। यहाँ पे लिखा है क्रिएट मैनुअली, तो मैं यहाँ आऊंगी, अपनी टाइमलाइन का एक टॉपिक दूंगी। मान लीजिए मैं टाइमलाइन क्रिएट करना चाहती हूँ, कोई टॉपिक आप बताना चाहेंगे टाइमलाइन के लिए, चैट में आप लिख सकते हैं कि आप जिस टॉपिक के बारे में आप सोच रहे हैं वो आप कोई टॉपिक हो, या फिर मैं ऐसा बोलती हूँ यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, मैंने ये एक टॉपिक लिया एंड मैं बोलती हूँ क्रिएट टाइमलाइन। तो ये क्रिएट करने के लिए मुझे ही क्रिएट करनी है, ये सिर्फ एक फाइल बना के मुझे दे देगा। यहाँ पे मैं ऐड इवेंट पे क्लिक करूंगी, इवेंट का नाम जो भी मैं डालना चाहती हूँ, उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम, वो कब प्रेसिडेंट बने, कब उनकी टर्म खत्म हुई, कोई उनसे रिलेटेड चीजें हैं वो डाल सकते हैं, कोई उनसे रिलेटेड इमेज है वो हम यहाँ डाल सकते हैं।
एंड देन वी कैन, यहाँ पे नीचे है ऐड करके है बटन, उसको क्लिक करेंगे तो हमारी टाइमलाइन की एक एक्टिविटी रेडी हो गई। इसी तरह से वी कैन कीप क्रिएटिंग एंड आवर टाइमलाइन विल बी रेडी। इसी के अंदर एक दूसरी ऑप्शन जो देता है प्रेसिडेंट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है हम लोगों के लिए, तो ये तो हो गए क्रिएट मैनुअली के हमारे कुछ एग्जांपल्स मैंने जो पहले वो किए। अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ एक ड्रॉ ड्राफ्ट मिल जाए किया हुआ, तो आप क्रिएट विद एआई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ अभी प्रेसिडेंट बेसिक खोला और मैंने इसको बोला क्रिएट विद एआई, क्रिएट विद एआई मैंने बोला, तो ये मुझे कह रहा है कि आप टॉपिक बता दीजिए किस चीज पे आपको टाइमलाइन बनानी है। तो मैं वही बनाती हूँ जो टॉपिक हमने अभी लिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, एंड आई से जनरेट विद एआई। यू विल बी सरप्राइज कि क्या होता है यहाँ पे। ये आपके टॉपिक को एनालाइज करेगा, ऑनलाइन डेटा कलेक्ट करेगा और उसको स्ट्रीमलाइन करके एक फॉर्मेट में आपके पास रख देगा। बट इट विल टेक 2-3 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन योर टॉपिक कि क्या टॉपिक है, कितनी लंबी उसको रिसर्च करनी पड़ रही है। तो बेसिकली जब तक का टाइम इन्हें अलाउड होता है एआई पे कि टिल मे बी फॉर एग्जांपल 2020 तक का ही डेटा एक्सेस कर सकते हैं या इन्हें उतना ही फीड दिया है, तो ये उतने ही लेंगे। अगर उसके बाद कोई चेंज हुआ है तो ये दे विल नॉट टेक इट। तो देन यू हैव टू अपडेट इट मैनुअली कि उसके अंदर आप एक इवेंट और ऐड करेंगे सो दैट आपकी टाइमलाइन कंप्लीट हो जाए। अब ये देखिए इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि स्टिल रिसर्चिंग। सो बेसिकली अभी ये बैक एंड पे काम कर रहा है और हमारी टाइमलाइन रेडी हो रही है। सो इट विल बी रेडी इन अदर 1 मिनट एंड देन वी विल सी वॉट एग्जैक्टली अपियर्स टू अस। बट यू एज अ टीचर आफ्टर क्रिएटिंग विद ए आई प्लीज चेक ऑल द फैक्ट्स बिकॉज इट विल बी टेकिंग ऑल द डेटा फ्रॉम इंटरनेट। वेदर इट इज टेकिंग फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स और अनरिलायबल सोर्स वी डोंट नो दैट। सो विद अस एज अ टीचर वी नीड टू फर्स्ट चेक इट, रिव्यू इट एंड देन ओनली वी शुड ब्रिंग इट टू द चिल्ड्रन टू यूज इट। अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव अदर टूल्स ऑल्सो फॉर क्रिएटिंग टाइम लाइन। बाय द टाइम इट इज क्रिएटिंग द टाइम लाइन आई जस्ट शो यू अदर टूल्स ऑल्सो। दिस इज सुतोरी, इट ऑल्सो हैज सर्टन डिजिटल कॉन्टेंट विच यू कैन एक्सेस और यू कैन क्रिएट योर ओन स्टोरी और यू कैन क्रिएट योर ओन कंटेंट। यू सिंपली हैव टू गेट टू सुतोरी, लॉग इन विद योर गूगल आई डी, क्रिएट ऑन दिस प्लस साइन एंड हियर यू कैन चूज द टेम्पलेट। वॉट एवर टेम्पलेट यू चूज यू आर रेडी टू गो विद दैट पर्टिकुलर टेम्पलेट। इफ यू चूज टाइम लाइन देन यू कैन क्लिक ऑन द टाइम लाइन एंड स्टार्ट यूजिंग दैट पर्टिकुलर रिसोर्स। सो दिस वे ये हियर यू कैन सी इंग्लिश एंड सोशल साइंस वी हैव अ टाइम लाइन टेम्पलेट, वी हैव स्टडी गाइड, रीडिंग लॉग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। You can take any type of activity, digital portfolio you can create, explorer report. If a child goes to any, for example, for the holiday homework, they can create an explorer report. Wherever they go, they need to explore that particular area with different facts and they can bring a report all together for social sciences. Having historical input, having geographical input, having political inputs, everything in one and create a report. Current events. So, for example, if I click on Explorer report, I will be taken to the template for this. And then we have to create it. What background you want to put, where you went, what was the goal, whatever you did, you can add all those here. So, this way you can create a timeline or different things on Sutori also for social sciences.
Now we are still waiting for the timeline to be ready here. If you have any questions till then. Okay, it is saying some problem was happening on their end, so I'm just starting again if it happens. Unable to create add event on timeline. Ma'am, what is the problem you're facing? I think it might be because it has not created my AI timeline also. Might be some error at the back end. You can try after some time showing pop-up of free or premium version after selecting coming back at starting point. No, it doesn't happen like that. Only thing is, in the free version, it will create 10 slides. Only 10 events it will create. Rest, there is no problem with this thing. Now you can see the timeline is ready. Dr. Rajendra Prasad. And then we have detail also. And you will see from where it is taking. Everything you will be able to see. Now you can just see here. Initially, it just gave you the reference, little bit content. Now it has given a detail also with an image and image source. So if you click here, it will take you to most of the time to the Wikipedia. So the reference point is Wikipedia. That is why I'm saying that you need to check before you bring it to the classroom. See, we have reached to the Wikipedia here. Now, as a teacher, my next question comes is, how can I use it? You can use it as an image, you can use it as a PDF also. But it is always better to use it on the platform because here you are able to, basically it will be shown in a bigger size. If you create it as an image, then it will be smaller. Here you have the option for PDF image. You want to share it, you want to share the link, you can do that. All the options are available here. Somebody, I think, has raised hand. Savita ma'am, आप please बोलिए. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून. एक्चुअली मैम, मैं पहले भी मैंने क्वेश्चन रेज किया था, लेकिन जब आप आंसर कर रहे थे तो मैं एग्जिट हो गई थी ड्यू टू नेटवर्क और डोंट नो. कोई बात नहीं. तो मैं टाइमलाइन पर जब क्रिएट कर रही हूँ, जैसे आपने अभी किया है प्रेसिडेंट्स की लिस्ट, एड इवेंट पर क्लिक करती हूँ, देन एक पॉपअप शो होता है. और पॉपअप में मतलब वो फ्री या प्रीमियम वर्जन के लिए क्वेश्चन पुट होता है, वो अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ तो फिर से मैं वहीं पर आ जाती हूँ. और मतलब यही बार बार रोटेट हो रहा है, क्रिएट नहीं हो रहा पता कुछ भी. नहीं मैम, मैंने ये देखी आपके सामने जो छोटा सा ट्राई किया था वो ये आपके सामने यहाँ पे मैंने एक क्रिएट किया, सेकेंड इवेंट अगर मैं इसी में डालना चाहूँ तो आ जाता है, इजीली आ रहा है. तो ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आ रही है. फॉर एग्जांपल मैं अभी इंदिरा गांधी लिख देती हूँ, व्हाट एवर डेट आई कैन जस्ट चूज द डेट फ्रॉम हियर. मेरी लैंग्वेज में हाँ दूसरी आ रही है, बाहर तो इंग्लिश दिखा रहा है, यहाँ पे कोई और लैंग्वेज ये दिखा रहा है मुझे. सो आई जस्ट go with this whatever it is coming right now, and then I say just a second, I'll remove this so that I can show you and add event. So right now it is taking some date problem because some other languages are appearing. Okay, actually इस ईयर को पहले करना था ना मुझे. एड इवेंट व्हाई इट इज नॉट चेंजिंग फॉर यर. इट मैंडेटरी टू बाय अ प्रीमियम प्लान फॉर इट? नो, आई एम नॉट, आई हैव नॉट ऑप्टेड फॉर एनी प्लान. व्हाट एवर आई एम शोइंग यू इज द बेसिक वन. एक्चुअली जो पॉपअप शो हो रहा है उसमें प्री में ये देखिए आपके करने का सामने मैंने ऑप्शन अभी भी अभी ऑप्शन नहीं है. अभी आपके सामने मैंने सेकंड डाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसमें. आप चाहते हो तो मैं एक नया ट्रैक करके दिखा सकती हूँ. आप ऐसा करिए, मैं अपना स्क्रीन शेयर रोकती हूँ, आप एक बार अपना स्क्रीन शेयर करेंगे. होस्ट कैन कीप एक्चुअली मैं मीटिंग
यहाँ मतलब ट्रेनिंग को मैंने मोबाइल से वो कर रखा है स्टार्ट, और साथ में मैं हैंडफोन कर रही हूँ लैपटॉप पर। आप फोन से दिखा दीजिए, आप कैमरा रिवर्स करके दिखा दीजिए क्या प्रॉब्लम आ रही है। इज इट विजिबल? नहीं, ये तो मुझे नहीं विजिबल होगा। हाँ सॉरी, मैं पहले बैकग्राउंड सेटिंग चेंज करती हूँ। अभी मैंने आपके सामने जो दिखाया, मैंने गूगल से लॉग इन किया हुआ है, बेसिक प्लान है, कुछ भी नहीं ऐड किया, एंड इट इज इजीली एडिंग द इवेंट्स, और आपके सामने मैंने ऐड करके भी दिखाया है। तो आप ऐसा करना, एक बार ही इसको लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कर लो, ट्राई करो, आई होप हो जाना चाहिए। नहीं तो आप थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर कर लेना और मुझे दिखा देना, एक बार आप उस पर भी ज्वाइन कर लो मीटिंग, उससे स्क्रीन शेयर कर लेना, ठीक है? थैंक यू। ओके, सो ये था हमारा एक टूल प्रिसीडिंग। दूसरा हमने डिस्कस किया सुतोरी, उससे पहले हमने बात की मेंटीमीटर की, हमने बात की गूगल आर्ट एंड कल्चर की। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। अब मैं बहुत डिटेल में कोई टूल नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि काफी कुछ आप लोगों को आइडिया है, उनको आप यूज भी कर रहे हैं। हाँ, मैंने भी यही कहा है देवेंद्र सर कि गूगल से आप लॉग इन करेंगे तो आपका इजीली बन जाएगा। आई डोंट नो व्हाट ट्रबल राइट नाउ शी इज फेसिंग, बट बिफोर दैट रियाज सर, आपका कोई क्वेश्चन था, शायद आपने हैंड रेज किया था, आप बोल सकते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन नहीं था, और एक ऑब्जर्वेशन मेरी हुई यहाँ पे वाइल एक्सप्लोरिंग द टूल। तो इसमें मैनुअल ऑप्शन भी है, तो मैनुअली हम कर सकते हैं मेरे ख्याल से, अगर हम ए आई मैनुअल करते करके हैं। दिखाया ना अभी अभी आपको, इवेंट ऐड हाँ करके दिखाया मैंने। हाँ बिल्कुल, मगर उसमें एक चीज हमें मुझे समझ नहीं आ रही प्रॉपरली, इफ यू कैन ऐड टू दैट, इसमें जो ए आई सजेशंस है, विल इट बी ऑन द बेसिस ऑफ वेल आई एम एडिंग द इवेंट, और ये खुद कुछ इंटरनेट से निकाल के रिगार्डिंग दैट नहीं टाइटल। नहीं अगर आप मैनुअली कर रहे हैं तो आप पूरा मैनुअली कर रहे हैं, फिर एआई सजेशंस नहीं ले रहे हम। अगर हम उसमें क्रिएट क्रिएट विद एआई कर रहे हैं तब हम ले रहे हैं। अच्छा उसमें भी आ रहे हैं? इफ यू मे अलाउ मी, यस अच्छा हाँ ये रहा ओके। नहीं मैं ये शायद आई डोंट नो पेड ना हो, क्योंकि मैंने ये फीचर इसका एक्सप्लोर नहीं किया था, बिकॉज मुझे लगा शायद ये पेड ना हो तो इसलिए मैंने यूज ही नहीं किया। तो आप ट्राई कर सकते हैं कि ये उस तो पर्टिकुलर इवेंट के लिए आपको आइडियाज दे देगा। मे बी मेरे ख्याल से टाइटल से ये कुछ लेगा फीडबैक और हाँ उसको हाँ मैच करके। टाइटल, मेरा टाइटल जो होगा उससे ये देखिए, मैंने इंडियन पीएम अभी डाला था तो उसका ये कुछ डेटा जनरेट करेगा, हमें जो लेना है हम ले सकते हैं, बाकी को हम हटा सकते हैं। वन मोर थिंग इज दैट कि जो हमने ये दो टूल्स देखे रिगार्डिंग दिस टाइमलाइंस, दिस कैन बी यूज्ड विद अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, हाँ देखिए सर, कोई भी नॉट टूल चाहे साइंस में डिस्कस हो रहा है, मान लो साइंस में आपको वो वीआर ही दिखा रहे होते हैं, मोस्टली वीआर को अगर हम देखें तो वीआर हमने यहाँ देख लिया, टूल सिमिलर है बट कहाँ पे उससे रेलेवेंट रिसोर्सेज है, इस वजह से हम इसको अलग कर देते हैं। जैसे गूगल आर्ट एंड कल्चर में मोस्टली सोशल साइंस को डील किया जा रहा है, कुछ साइंस के भी हैं तो साइंस वाले भी उसको रेफर कर सकते हैं। तो ऐसा कोई टूल सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता नहीं है, ये सिर्फ बिल्कुल हम लोग ऐसे बताते हैं कि हमें नहीं समझ आता कई बार एज अ टीचर कि ये हमारे उसमें कैसे यूज होगा, आप ये बताओ। कभी कभी टीचर हमसे डायरेक्टली ये पूछते हैं कि हमारे सब्जेक्ट के लिए कोई टूल बताओ, तो उस केस में हमने कुछ स्पेसिफाई करके हम बता रहे हैं कि हाँ इसमें आप करके देख रहे हैं, हमने सारे टॉपिक वही लिए, तो इट बिकम्स मोर रेलेवेंट टू द टीचर कि हम उसी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, मैम, अदरवाइज ऐसा। एक बड़े टाइम से मुझे एक कंफ्यूजन कंफ्यूजन नहीं है, था थोड़ी क्वेरी है रिगार्डिंग आर्ट एंड गूगल आर्ट एंड कल्चर के बारे में। क्या वो वीआर एनेबल्ड है, इफ वी कैन गेट सम वीआर सेट्स? एक बार वीआर के साथ चेक कर सकते हैं, मेरे पास सेट तो है, मैंने उसको वीआर के ऊपर टेस्ट नहीं किया, बट 360 डिग्री वीडियो तो डेफिनेटली नहीं, जब हम उसमें वीआर मैं सेट के साथ आई देखेंगे तो हैव अच्छा। कंफ्यूजन, देन आई हैव टू इन्वेस्ट सम अमाउंट फॉर वीआर सेट्स एज वेल। नहीं आप अभी एक्सपोर्ट मत करिए, मैं ऐसा करूंगी एक बार चेक करके आपको बता दूंगी, ठीक जी जी मैम, थैंक है? यू मेरे पास वीआर मैम। हेडसेट है, मैं फोन पे एक बार उसको अटैच करके और मैं आलोक को इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, मिस्टर आलोक जो है वो आपको कन्वे कर देंगे, थैंक यू मैम, थैंक ठीक है? यू वो वी कैन टेस्ट आउट। मैम। ओके तो अब हम हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं। यस सविता मैम वेरी गुड, इंटीग्रेटेड है हर चीज, हम सिर्फ कई बार टीचर्स कंफ्यूज होते हैं इसीलिए हम उसको सब्जेक्ट स्पेसिफिक करके एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि जैसे अभी हम मैप का एग्जांपल लेते हैं तो मैप क्या ज्योग्राफी में थोड़ी यूज होता है, मैप तो हिस्ट्री में भी यूज होता है, पॉलिटिकल साइंस में भी यूज होता है,
तो ऐसा नहीं होता है, कोई भी रिसोर्स आप हर सब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं, बट हाँ टाइमलाइन बहुत रेलेवेंट है सोशल साइंसेस से या हिस्ट्री से, इसलिए हम उसको यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको बता रहे हैं। कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर थोड़ा सा लैंग्वेज का इनपुट ज्यादा होगा तो हम लैंग्वेज में यूज करेंगे, पर क्या लैंग्वेज सीखते हुए हम सोशल साइंस नहीं सीख सकते? तो कंटेंट हमारा वो हो सकता है, तो कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं है। हो सकता है मैथ्स के बस टूल ऐसे हों जो थोड़े से मैथ्स में रह जाए, क्योंकि वहां हम लोग लिमिट करते हैं क्वेश्चन से, बट अदरवाइज अगर आप मैथ्स को भी लॉजिकली देखेंगे तो आर्किटेक्चर में आप उसको पाएंगे, साइंस में पाएंगे, या इवन हिस्ट्री में हम मैथ्स को पाते हैं कहीं कहीं पे, बट इट इज अप टू अस एज अ टीचर हाउ वी रिलेट टू थिंग्स एंड हाउ वी ब्रिंग इट टू द क्लासरूम। तो अब हम नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ फिर से। अब जो टूल है आप में से एक किसी एक ने लिखा भी था, बट स्टिल मैं उसको लेके जा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि एक टीचर को आने से सभी को नहीं आएगा या नहीं हो सकता है पता हो। quizzes.com इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टूल। क्यों? क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि ये यहाँ आपको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, आप पूरा नया क्रिएट कर सकते हैं जैसी आपकी नीड है, या यहाँ पे जो ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेज है आप उनको यूज कर सकते हैं। और दूसरा, यहाँ पे बहुत सारी क्विजेज हैं, आप उसको कॉपी करके उसको एडिट भी कर सकते हैं, एंड यू कैन डायरेक्टली डू इट इन क्लासरूम और यू कैन असाइन इट एज अ होमवर्क एक्टिविटी ऑल्सो। तो क्रिएट करने के लिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट, हर एक में मोस्टली में लॉग इन जरूरी है, तो मैंने गूगल से लॉग इन ऑलरेडी किया हुआ है। आप लोग भी अपना गूगल का लॉग इन कोई एक क्रिएट कर लें जो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हो, जिसमें आपका पर्सनल डेटा ना हो, तो किसी तरह के ब्रीच की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। यहाँ पे क्रिएट है, आप क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ माई लाइब्रेरी है, जो माई मीन्स मैंने जो क्विजेस बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी क्विजेस ऑलरेडी बनी हुई है मेरी, ये मैंने अपने लिए अपने पर्पस के लिए बनाई हैं या फिर एडिट की हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल क्विजेस हैं। अब या तो मैं नई क्रिएट करूं या फिर मैं एक्सप्लोर करूं कि मेरे सब्जेक्ट की यहाँ पे कोई क्विज है या नहीं। तो इफ आई गो टू सोशल स्टडीज आई कैन चूज ज्योग्राफी, ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये सजेस्टेड है, आप अपना टॉपिक भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट पे टिक किया, तो अब आप देखेंगे ये पूछ रहा है कि आपको कितने क्वेश्चन वाली क्विज चाहिए, तो यू कैन रिस्ट्रिक्ट इट फर्दर और यू कैन लिव विद मैनी, जो भी आ जाए हम उसको देख लें। अब यहाँ पे 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट की बात की है और इसमें 10 क्वेश्चन है। इफ यू लाइक दिस क्विज, जैसे आप इसमें देखेंगे मैच द फॉलोइंग है, एमसीक्यू है, तो दोनों दो वैरायटी के क्वेश्चन इन्होंने अपनी क्विज में रखे हैं, और इसकी ग्रेड भी स्पेसिफिक है, 6th ग्रेड की है, 9th to 10th की है, वो आपको आपको मेंशन्ड मिलेगा। अब मैंने एक क्विज पे क्लिक किया तो देखा कि ये 6th ग्रेड की है, इसे ऑलरेडी 1,500 टाइम प्ले किया जा चुका है, ये आपकी क्विज है, आपका इसमें करेक्ट आंसर ये है, यू वॉन्ट टू एनहांस इट, आई डोंट नो वेदर इट इज अलाउड फॉर अस, एडिट कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, लैंग्वेज को एडिट कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे देखिए इसने पोल भी ऐड किया, तो आप पोल भी ऐड कर सकते हैं, एंड इफ यू वांट कि आप इसी को एनहांस करें तो आप इसे कॉपी कर लें और एडिट कर लें अपनी नीड के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ कॉपी किया तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी मेरे लॉग इन पे बन गई। अब मान लीजिए मुझे ये क्वेश्चन नहीं चाहिए, सो आई कैन सिंपली रिमूव दिस क्वेश्चन, या फिर यहां से मैं इसे एडिट कर सकती हूँ। जब मैं एडिट पे बटन दबाऊंगी ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया, मैं यहाँ पे आंसर चेंज कर सकती हूँ या क्वेश्चन की लैंग्वेज भी चेंज कर सकती हूँ, लैंग्वेज इन द सेंस द वे इट हैज बीन सेड। सो दिस वे यू यू कैन जस्ट स्टार्ट योर क्विज। अब आपकी क्विज मान लीजिए रेडी है, आप पब्लिश करते हैं। अभी मैंने सेम क्विज को पब्लिश कर दिया है, अब यहाँ पे है स्टार्ट अ लाइव क्विज और असाइन होमवर्क। अगर हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं है तो हम पेपर मोड में भी इसको कर सकते हैं, तो इट गिव्स अस अ वेरी गुड ऑप्शन कि हमारे पास कभी कोई रिसोर्स ना हो तो हम पेपर मोड में इसको ले आए। अब स्टार्ट अ लाइव क्विज मैं करती हूँ तो क्लासिक या इंस्ट्रक्टर पे, क्लासिक मीन्स हर क्वेश्चन के साथ जो टाइम मैंने डिसाइड किया वो उस टाइमर पे रन करेगा, उतनी देर के बाद वो क्वेश्चन हट जाएगा। इंस्ट्रक्टर पेस्ट मीन्स मैं एक क्वेश्चन दूंगी आगे करूंगी तो वो क्वेश्चन आगे बढ़ जाएगा। इंस्ट्रक्टर पेस्ट में
हर बच्चे को एक साथ वहां रहना जरूरी है। क्लासिक में क्या है कि किसी ने 5-2 मिनट लेट ज्वाइन किया तो उसे फर्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, दैट इज द डिफरेंस। एक मैं रन करके दिखाती हूँ, ये यहाँ पे आए हम, क्लासिक कंटिन्यू, ये आप देखेंगे जैसे हमने मेंटीमीटर पे देखा था, यहाँ पे आप इस कोड पे जाएंगे इस उस पे और ये वाला कोड आप डालेंगे तो आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे मेरे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन आने लग जाएगी कि कितने लोगों ने इस क्विज को यहाँ पे ज्वाइन किया है। ये जीरो पार्ट, पहले यहाँ पे ये ऑप्शन आती थी, आजकल यहाँ आ रही है पार्टिसिपेंट्स कितने हैं। जैसे ही आप लोग ज्वाइन करेंगे मुझे यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा, एंड वंस यू हैव ज्वाइंड और नॉट ज्वाइंड आई कैन सिंपली स्टार्ट द क्विज फ्रॉम हियर। ये आपके पास स्टार्ट बटन है। सो अभी आपने नहीं भी ज्वाइन किया तो मैं कर रही हूं बट इट इज नॉट स्टार्टिंग। तो कोई एक पर्सन अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसे काम करती है। एनीवन कैन ज्वाइन फ्रॉम दिस ज्वाइन माई क्विज डॉट कॉम, 656381 कोड है। कोई ज्वाइन कर रहा है? यस मैम, यस मैम। ओके, कोई एक भी ज्वाइन कर ले, मैं सिर्फ आपको पैटर्न दिखाने के लिए बोल रही हूँ। ओके, रियाज सर ने ऑलरेडी ज्वाइन किया है तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे ही मैंने स्टार्ट किया अब आप देख सकते हैं कि इस तरह के म्यूजिक से और इफेक्ट से बच्चे कितने एक्साइटेड हो जाएंगे क्लास में। आपके पास म्यूजिक प्ले हो रहा है, यहाँ मुझे क्वेश्चन नहीं दिख रहा पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, आप आंसर करोगे तो यहाँ मुझे स्कोर दिखना शुरू हो जाएगा। और अगर मुझे जैसे ही एक आंसर हो जाएगा आपके एक कलर शुरू हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन कितने 18 क्वेश्चन थे इसमें, हर क्वेश्चन का आंसर है किसी ने आंसर किया शायद, तो उन्होंने आंसर दिया है हमारे पार्टिसिपेंट्स कुछ हमने किए ही आ गए एंड आई स्किप दिस। रीप्ले करना है, असाइन प्रैक्टिस करना है, रिव्यू क्वेश्चन करना है, आप वो सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। ये हो गया अगर आपको लाइव रन करनी है क्लास में, पर वो अपॉर्चुनिटी हमारे पास जब बच्चे क्लास में तब कम होती है क्योंकि छोटे बच्चों के पास तो फोन नहीं होता। तो उस केस में हमें क्या करना है कि हम इसको एज होमवर्क भी असाइन कर सकते हैं। सेम क्विज मैंने आपके सामने दोबारा ओपन की, आप यहां देख सकते हो असाइन होमवर्क। अब यहां आपको असाइन करना है, आप उसको एक लिंक को बच्चों को भेजना है आपको, चाहे वो आप दे दें पहले से। मान लीजिए ये क्लास में आपने कोड दे दिया तो ये घर जाके बच्चे इस क्विज को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या है, आपको क्योंकि हम असाइन कर रहे हैं तो आपको टाइम देना होगा कि कब से कब तक ये चलेगी। With that, it will run. अभी तो ये रनिंग ही दिखा रहा है, एंड नहीं हुई हमारी क्विज। यस, एक मिनट में बाहर आके फिर से जाती हूँ इस पे। यहाँ पे आपके पास आप देखोगे जब हमने बोला उसको द क्विज विल क्लोज ऑन नवम्बर 10th 3:30 PM, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपने टाइमलाइन
कि अभी आपने स्टार्ट किए तो वो कितने बजे तक आप बच्चे वो क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन असाइन इट. दिस वे चिल्ड्रन विल बी एबल टू डू इट वंस दे रीच बैक होम, दे विल बी एबल टू कंप्लीट द पर्टिकुलर क्विज. ये एक टूल हो गया. एक लास्ट टूल, जो लास्ट 2-3 मिनट हमारे पास बचे हैं उसके अंदर मैं आपको दिखा देती हूँ. ये हमारा लैंग्वेजेस के लिए बहुत यूजफुल है, पर आप इसको सोशल साइंसेस में भी यूज कर सकते हैं. वो कैसे यूज कर सकते हैं हम अभी जाएंगे इसके ऊपर. यहाँ पे आप देखेंगे ये वर्ड वॉल है. वर्ड वॉल में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे लेबल डायग्राम्स है या फ्लैश कार्ड्स है. आप इन सबको जो आपको लगता है कि आपके सब्जेक्ट या टॉपिक से बहुत रेलिवेंट है या रिलेट करता है, आप उन चीजों को ले सकते हैं. यहाँ पे एक फ्लिप द टाइल्स भी है. फ्लिप टाइल्स में क्या होता है कि एक इमेज दिखाई जाएगी, आपको उसके बारे में कोई फैक्ट पूछा जाएगा, आपको वो बताना है. सो यू कैन यूज इट एज एन असेसमेंट टूल ऑल्सो. लेबल डायग्राम में हमारा जो मैथ वर्क है, चाहे हमें कैपिटल मार्क करनी है या सीएम स्टेट के मार्क करने हैं या फिर स्टेट मार्क करने हैं या फिर कोई और उस तरह की चीजें मार्क करना चाह रहे हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं कि कोई भी मुगल साम्राज्य की बात की तो किसका कहाँ तक फैला हुआ था, वो सारी चीजें मार्क करनी है, तो आप इन डायग्राम्स के थ्रू, लेबल डायग्राम्स के थ्रू कर सकते हैं इसमें. सो नाउ आप देख सकते हो कि दिस इज नॉट फॉर सोशल साइंसेज ओनली, बट रादर यहाँ पे ज्योग्राफी, सॉरी बायो दिखाई गई है, यहाँ कुछ और है. तो बेस्ड ऑन योर सब्जेक्ट यू कैन क्रिएट द रिसोर्स एंड यूज इट. अब मैं इसको स्टार्ट करती हूँ. आप देखिए ये लेबल डायग्राम की तरह अपीयर होगा. मैप है, कितनी बोरिंग एक्टिविटी है, बच्चे परेशान हो जाते हैं. तो अगर हम इस तरीके से करवाएंगे तो उनको इंटरेस्ट आने लगेगा. मैंने यहाँ पे इसको मैप कर दिया. सो आई मैप इट हियर. गलत सही मुझे नहीं पता, प्लीज डोंट जज मी बाय दिस. एंड आई से सबमिट. सो दे आर कॉस्टली, ठीक है. हिमालयाज मैंने मार्क ही नहीं किया तो मैं कर देती हूँ. सो आई गॉट गुड मार्क्स हियर. इस तरह से आप एक्टिविटीज क्रिएट करके क्लासरूम में उसे यूज कर सकते हैं. सविता मैम हमने अभी अभी किया, इसको आप शेयर कर लीजिए बच्चों के साथ, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं. यहाँ शेयर का बटन है, यू कैन शेयर दिस विद द स्टूडेंट्स एंड दे कैन कंटिन्यू डूइंग इट. इसके अंदर भी म्यूजिक होता है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग. आप करेंगे तो बड़ा मजा आएगा उस म्यूजिक को सुनने में आपको. तो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज यू कैन डू इन द सोशल साइंसेस क्लास. अब क्विजेस के अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप असेसमेंट कर सकते हैं या प्रेजेंटेशन. क्विजेस में भी आप प्रेजेंटेशन कंटेंट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है वो सिर्फ असेसमेंट टूल है. टीचिंग लर्निंग के लिए भी वो एक अच्छा टूल है. आप उसको एक्सप्लोर करिए और यू कैन टेक इट टू योर क्लासरूम फॉर टीचिंग एंड लर्निंग ऑल्सो. इसके अलावा जैसे गूगल का अपना गूगल फॉर्म्स है असेसमेंट के लिए, आप उसे भी यूज कर सकते हैं. उसके अंदर आपको मैनुअली इमेजेस ऐड करनी है और क्वेश्चंस ऐड करने हैं, पोलिंग करनी है, वो सारे पार्ट्स आप गूगल फॉर्म से भी क्रिएट कर सकते हैं. गूगल फॉर्म में और क्विजेस दोनों में एक बेनिफिट हमें मिलता है कि हमें डेटा भी एनालाइज्ड मिलता है. यस सर, काहूत भी एक टूल है. बहुत काहूत इज अ वेरी वंडरफुल टूल. बस उसके अंदर वही है कि लिमिट ऑफ क्वेश्चंस रहती है. इसके अंदर जब हम बात करते हैं क्विजेस की तो हमें वो लिमिट नहीं रहती है. मैं एक बार क्विजेस पे वो दिखाना चाहती थी, डेटा का थोड़ा सा नजर आ जाए वैसा कुछ दिखाना चाह रही थी. एक बार इसमें देखती हूँ, मेरे पास कोई अगर डेटा होगा तो आई कैन शो यू. ये प्ले हुई है पर इसका भी डेटा एक्सेस में नहीं कर पा रही हूँ.
इसके अंदर डेटा भी इजीली मिल जाता है। आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू लोकेट द बटन राइट नाउ, तो मैं अभी उस पर नहीं टाइम स्पेंड करूंगी। आप एक बार देख लीजिएगा कहाँ पे है, तो आपको पूरा डेटा जिसने भी एक्सेस किया है, यू विल बी एबल टू फाइंड ऑल द डेटा ऑफ दैट क्विज, जिसको आप एनालाइज कर सकते हैं, और एनालिसिस बेस्ड डेटा भी आपको इसमें मिल जा। क्विज आप कंडक्ट करेंगे उसका डेटा आप एक्सेस कर सकते हैं, उस डेटा के बेस पे आप बच्चों को इनपुट्स भी दे सकते हैं कि किसने क्या आंसर किया है। आई एम सॉरी, मैं मेन सेशन के अंदर कंप्लीट कर रही थी अपनी लास्ट लाइन। मैम हमारा मैथ्स का जो ब्रेकअप रूम में थे हम, वो एग्जिट हो गए हैं हम, वहां पे कुछ एक्टिविटी चल रही थी मैम। आपने अपने अपने सब्जेक्ट्स के सेशंस काफी एंजॉय किए होंगे। यस, बीच बीच में मैं आ रहा था ब्रेकआउट रूम्स में देखने के लिए, और काफी अच्छा चल रहा था सबका सेशन, और सभी पार्टिसिपेंट्स काफी एक्टिव थे, क्वेश्चन भी पूछ रहे थे। तो मैं अपने सारे रिसोर्स पर्सन का धन्यवाद करता हूँ इतने अच्छे सेशंस के लिए, और डिटेल्ड तरीके से आपने सारे टूल्स को बताया और सारे पार्टिसिपेंट्स को, सो थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी सर, हम अपने नेक्स्ट सेशन के लिए मिलेंगे 15 मिनट में एक छोटे से टी ब्रेक के बाद। सो ज्यादा डिले ना करते हुए एक छोटा सा टी ब्रेक ले लेते हैं, और 3:45 पे, शार्प 3:45 पे हम सेशन दोबारा ज्वाइन करेंगे। यशपाल सर ऑलरेडी टी एंजॉय कर रहे हैं। हाँ देखिए आलोक जी, CIT हो चाहे केरला हो, कॉफी 3:30 बजे ही पीनी चाहिए। वंडरफुल यश, ठीक है। सो बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। सो प्रेजेंटेशन मेरे उनको मिल जाएगा, बाकी क्या दे ही देंगे, है ना। सो जो भी आपका क्वेरीज है, वो आप फिर भी कुछ हो तो टीम के थ्रू आप लोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, सो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं सभी से। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू जितने भी सभी टीचर्स को जो सोशल साइंसेस में थे या बाहर भी थे। जो एक क्वेश्चन आया था वो मैं आंसर, मैम म्यूट हो गई, जो एक क्वेश्चन था उसका आंसर मैं टीम के थ्रू आप तक भिजवा दूंगी। बाकी आप इन सारी एप्लीकेशंस को एक्सप्लोर करिए कि कैसे आप उसको क्लास में इंटीग्रेट अप कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मिस्टर आलोक, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू निधि मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर, थैंक यू मैम, थैंक यू। और आप सभी के लिए अटेंडेंस लिंक पोस्ट कर दिया है चैट में, जो सभी डिमांड कर रहे थे, तो आप अटेंडेंस मीनवाइल अपने अटेंडेंस भी मार्क कर लीजिएगा। सो सी यू आफ्टर 15 मिनट्स।